expecting simplification of the terminology, the complex terms into simple through gamification. I'm expecting to learn something new and use it in my practice. Basically, what I expect from this program is that it will give us the skills so that when I go to conduct the IAP, Industrial Awareness Program for my prospects, I would be able to give a better knowledge to them. And when I'm able to give a better knowledge, I'm able to keep them engaged, because games is something which engages a person. Otherwise, adult learning is very difficult. So gaming is the only thing which we can teach. So I'm able to instill, I expect a better return in terms that if I'm teaching something, I'm in expectation of get business out of it. So ultimately, that's what makes. क्योंकि यहाँ पर मैं सीखने के लिए आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मैं सीख के जाऊँगा और इससे मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि बचपन में जैसे गेम के थ्रू आपस में खेलते थे और कनेक्टिविटी बना पाते थे इस तरह अपने क्लाइंट के साथ एक गेम के थ्रू इजीली कनेक्ट बना के क्लाइंट का ग्रोनअप हो सके वेल्थ और हेल्थ दोनों इस उम्मीद के साथ ये पार्टिसिपेशन कर एक्चुअली मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जिस तरीके से गेम खिलाते हैं उसको मैं पूरी तरीके से समझ पाऊँ और इन नियर फ्यूचर मैं अपने क्लाइंट्स के साथ इस तरह की एक्टिविटी कंडक्ट कर पाऊँ जैसे प्रोडक्ट का नाम है रीबैलेंसिंग वैलिडिटी सर्टिफिकेशन इसके अंदर हम लोग जो इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट है उसको रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजीज को गेमिफाइड करते हुए जो प्रोसेस है उसको लर्न करने के लिए आए हैं और उसको हम अपनी प्रैक्टिकल डेली लाइफ के अंदर जब हम प्रेजेंटेशन देंगे उसको हम यूटिलाइज करेंगे और उससे हम उनको बिना बोर किए उनसे अच्छा सम एक्सप्लेन कर पाएंगे प्रोडक्ट्स को व्हाई आई एम हियर इज जस्ट टू मीट द राइट पीपल बिजनेसेस ग्रेट आइडियाज in a room together. Okay. That's one. And it is going to be a lot of learning experience. Okay, learning. Fun. Sharing ideas, sharing good practices amongst us. To be a successful volatility coach, because in currently market volatility day by day increasing much faster. Okay. So currently I am using say fully technology. So with technology volatility also is essential, how to manage volatility. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर वॉलेटिलिटी गेम के बारे में सीखने के बारे में और आईएपी कितनी अच्छे से कंडक्ट करके अपने क्लाइंट को एडवाइस दे सकूँ आई एम फ्रॉम हियर टू लर्न रिगार्डिंग एसेट एलोकेशंस मॉडल सो इट्स व्हाट आई थिंकिंग इट्स रियली हेल्पफुल टू माय क्लाइंट आफ्टर लर्निंग दिस सेशन एंड नाउएडेज इज क्लाइंट नीड्स मोर स्पेसिफिक सर्विसेस सो What I am thinking, I should learn and then I have to apply to my clients. This is a different event, which is a volatility game. And this is a gamification of very complicated concepts. So that it is very easy for us to tell clients and explain them in a very, very simple and effective manner. Obviously, there will be some good innovative things and something informative and which will be something valued for self and for our clients and all. That is what expectation, something good thing supposed to happen. Obviously good expectation. इस यहाँ पर आने का मकसद ये है मेनली कि क्लाइंट का एंगेजमेंट जो है कैसे हम और अच्छे से कर सकें नए तरीके से समझ सकें और क्लाइंट को भी ये समझा सकें कैसे आसान से आसान तरीके से कि पैसों की परिभाषा क्या है पैसों को हम कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं पैसों को लेकर के हमारा बिहेवियर कैसे जो है और फ्रेंडली हो सकता है तो मोस्टली चीज़ जो है क्योंकि आदमी जो है गेम्स के थ्रू ज़्यादा बेहतर सीखता है बजाय जो है नॉर्मल लर्निंग के तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ही है कि जो गेम्स यहाँ से सीखे जाएंगे उसे डेफिनेटली क्लाइंट एंगेजमेंट में क्लाइंट की ग्रोथ में काम आएगा सम न्यू लर्निंग्स ऑन हाउ टू मैनेज द क्लाइंट्स ऑन ए बेटर वे द एक्सपेक्टेशन इज टू मैनेज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर इन्वेस्टर्स थ्रू गेमिफिकेशन एंड सो व्हाटएवर वरीज और uncertainties that they have so through gamification you are in a better way to manage them and also growth towards your own profession client engagement is a very serious business and we need all the tools to help the client and manage his emotions and also guide him
what is good for him. So I hope to learn some more things so that I can guide my clients better. Basically, I'm expecting how we should interact with clients and how we can engage them in our interactions, in our investment awareness programs. That's the main. I'm just expecting to the volatility in the market to learn in this coaching class. So this event gives how we can present to our clients financial planning and about mutual fund, about financial markets. This event help us to explain our clients how to explain equity, about debt. I'm expecting from this event, I want to grow my client through this volatility and all this client को ये training के माध्यम से यहाँ से जो मैं सीख रहा हूँ वो मेरे client के पीछे में मैं training देके volatility coach बन के उनको सारी ये चीजें सिखाना चाहता हूँ. And definitely it would be a quite value addition for us. It would be a great learning experience for which we have come over here all the way from Delhi. The knowledge, main thing, you know, what is there. Kanak has been, you know, inspiration with respect to this game scenario, you know. So I'd like to definitely know more from him. Asset allocation, kaise client ko explain karke karna hai, wo sikhne ke liye hai. Expecting a lot that how we can explain client asset allocation and how we can explain them the volatility of the market and how we can overcome from this volatility and get the good win-win situation for client and wealth creation. So I am expecting a lot from today's session. Just to learn. And then make money, having some presentability to create a huge market from. I am expecting a debt-free India. Expectation तो एक ही है कि यहाँ से कुछ सीख के हम customer की life में कुछ value addition कर सकें, उनकी जो lifestyle है उसमें कुछ value addition कर सकें. Okay. So mostly जो equity से डरते हैं, उसको हम इस equity के stock में ला सकें.